हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमृता। आपका स्वागत है कुकिंग विद अमृता में। आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज या वेज कोरमा की, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मिक्स वेज कोरमा बनाने के लिए खड़े मसालों में मैंने लिया है 1 तेज़पत्ता, 3 सूखी लाल मिर्च, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 छोटी चम्मच सौंफ। और इसके अलावे 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ, 7 से 8 काजू का टुकड़ा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ और 7 से 8 लहसुन की कलियां। मिक्स वेज या वेज कोरमा के लिए सब्जियों में आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। मैंने लिया है बीन्स कटे हुए 1/2 कप, 2 मीडियम साइज़ के आलू कटे हुए, 1/4 कप मटर, 2 बड़े चम्मच गाजर कटे हुए और 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च कटे हुए, और 50 ग्राम पनीर लिया है जो कि ऑप्शनल है। मसालों में मैंने लिया है 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। अब हम एक कढ़ाई को मीडियम हीट पे गर्म करते हैं। इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालकर 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालकर इन्हें रोस्ट करते हैं। और जब ये रोस्ट हो जाए तो इसमें हम 1 छोटी चम्मच सौंफ डाल देंगे। सौंफ को मैंने हल्का दरदरा कूट लिया है। और इसके साथ हम 3 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सभी मसाले और लाल मिर्च के रोस्ट होने के बाद इसमें हम कटी हुई प्याज डाल देंगे और प्याज को लाइट गोल्डन कलर के होने तक भूनेंगे। मिक्स वेज की सब्जी बनाने में सब्जियां आप अपनी पसंद से लें और इनके रेशियो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। प्याज को बीच बीच में चलाते हुए 6-7 मिनट भूनते हैं और प्याज का कलर अब लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। तो अब कढ़ाही में हम लहसुन और अदरक के टुकड़े को ऐड कर देंगे और इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इनके स्थान पर हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं और इन्हें हम लो मीडियम गैस पर ही भूनेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसमें 7 से 8 काजू को ऐड कर देंगे और काजू को भी हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। काजू से ग्रेवी क्रीमी हो जाती है और सब्जी का टेस्ट इन्हेंस होता है। 2 से 3 मिनट काजू को भुनने के बाद अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। सूखे मसालों में 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। कसूरी मेथी और गरम मसाला हम ग्रेवी में सबसे आखिर में डालेंगे। अब हम सूखे मसालों को लगभग 1 मिनट भूनते हैं और इसके बाद इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। कटे हुए टमाटर को हम 1-2 बार चलाते हैं और इसमें 1/4 कप पानी डाल देते हैं ताकि मसाले जले नहीं और टमाटर उसमें अच्छे से गल जाएं। टमाटर और पानी को 1-2 बार चलाकर अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट स्लो गैस पे पकाते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और मसालों में अच्छी तरह लिपट जाएं। सब्जी में नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम देखते हैं टमाटर कितने गले हैं। तो टमाटर ये लगभग पक गए हैं और साइड से ऑयल भी दिखने लगा है। इसका मतलब है कि मसाला भी अच्छे से भुन गया है। तो अब हम टमाटर को मैश करते हुए 1-2 मिनट और चलाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। इन सभी मसालों को हम एक मिक्सी के जार में ले लेते हैं और इन्हें ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद जार में हम 1/4 कप पानी डाल देंगे और इसे पीस लेंगे और पीसने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही स्मूथ और क्रीमी हो जाता है। तो देखिए कितना अच्छा कलर मसालों में आया है। मसाले को हम साइड रख देंगे और अब हम एक कढ़ाई गर्म करते हैं। कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल लेते हैं। तेल के गर्म होने के बाद हम कढ़ाई में बीन्स, गाजर और आलू को डाल देंगे।
पहले हम उन सब्जियों को डालेंगे जिन्हें हमें देर तक फ्राई करना है और जिन्हें पकने में टाइम लगता है। मटर मैंने फ्रोजन ली है और यदि यह कच्ची मटर होती तो बीन्स आलू के 4-5 मिनट भुनने के बाद हम कच्ची मटर डाल देते। अभी हम सब्जियों को 4-5 मिनट बिना ढके हुए ही भुनेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए और 5 मिनट होने के बाद सब्जियों को हम ढककर भुनेंगे ताकि ये जल्दी पके। सब्जियों को भुनते हुए 5 मिनट हो गया है तो अब इसे हम ढककर पका रहे हैं और हर 1-2 मिनट पर बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि सब्जियां जले नहीं। मिक्स वेज या वेज कुर्मा को हम नान, चपाती, पराठे किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। सब्जियों को ढक ढक कर भुनते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। टोटल टाइम भुनते हुए 10 से 11 मिनट हो गया है। तब हम चेक करते हैं अगर आलू थोड़ा सा कट रहा है दबाने पे, यानी अधपका हो गया है, तो अब इसमें हम कैप्सिकम और मटर डाल देंगे और इसको थोड़ा देर और भून लेंगे। मटर और कैप्सिकम को डालकर हम 4 से 5 मिनट और भून लेते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक का बटन दबाएं। हमारी सब्जियां अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें हम ग्रेवी जो हमने पीस के रखा था मसालों को, उसे डाल देते हैं। और ये मसाला काफ़ी थिक है तो मैंने मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डालकर 1/2 कप और मिक्सी में घुमा लिया और इसे सब्जियों में डाल दिया। तो अब हम सभी सब्जियों को मसालों के साथ मिक्स करते हैं। सभी सब्जियों को मसालों में अच्छी तरह मिक्स करके हम इसे ढककर 2-3 मिनट पका लेते हैं। अब हम सब्जी में 1/2 कप दूध नॉर्मल टेम्परेचर का और 1 कप पानी डाल देते हैं और सब्जियों को अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हम सब्जी को ढककर 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं। सब्जी अब थोड़ी गाढ़ी हो गई है तो हम सब्जी में नमक का टेस्ट कर लेते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिक्स कर देते हैं। तो मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने 1/2 छोटी चम्मच नमक और मिक्स कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला लें। अब हम सब्जी में जो हमने 50 ग्राम पनीर रखा था उसे क्यूब शेप में काटते हैं और 2 क्यूब रखकर बाकी क्यूब्स को सब्जी में मिक्स कर देते हैं और जो 2 क्यूब हमने रखे हैं उसे कद्दूकस कर देते हैं। इससे सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी भी होगी और सब्जी का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो पनीर डालें या ना डालें। अब हम इसमें बचे हुए 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला मिक्स कर देते हैं। सब्जी को हम ढककर 1-2 मिनट पकाते हैं और गैस बंद कर देते हैं। हमारा मिक्स वेज कोरमा बनकर तैयार हो गया है। अभी इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली दिख रही है मगर ठंडी होने पर ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। सब्जी के 1 घंटे ठंडा होने के बाद मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। देखिए सब्जी का टेक्सचर कितना गाढ़ा हो गया है। मिक्स वेज की सब्जी आप एक बार ज़रूर बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें।